SSD, HDD और SSHD में डिफरेंस क्या है और इनमें से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म आता है ना वो है SSD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क की बात करें तो ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी, इसे 1956 में IBM ने यूज किया था पहली बार, और इसके अंदर आपको मैकेनिकल पार्ट्स का यूज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक मैकेनिकल आर्म रहती है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क रहती है जो घूमती है, जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर डेटा होता है, और जो मैकेनिकल आर्म ना वो फिजिकली मूव करके इन्हीं सेक्टर से डेटा पढ़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी देखा जाए तो काफी ज्यादा पुरानी है, और आज के जमाने में अगर हार्ड डिस्क की स्पीड की बात करें तो 100 MB 150 MBPS तक की स्पीड देखने को मिलती है। और नॉर्मली देखा जाए तो उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि स्पीड तो इसकी लिमिटेड रही है, लेकिन जो स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है ना वो ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि शुरुआती समय में आपको हार्ड डिस्क में आपको कुछ MB तक का स्टोरेज देखने को मिलता था, जो आज की डेट में कुछ TB तक पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी आपको हार्ड डिस्क आजकल हर कंप्यूटर में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हार्ड डिस्क को बनाना सस्ता पड़ता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इसलिए हर कंपनी इसे अपने हर लैपटॉप हर कंप्यूटर के अंदर डालती है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर ज्यादा प्रोग्राम या ज्यादा चीज अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर आ जाए ना, तो जो हार्ड डिस्क है ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे भरने लगती है, और जब भी आपको कोई डेटा उसमें से कॉपी करना है या कुछ सर्च करना है या कुछ देखना है ना, तो हार्ड डिस्क को ज्यादा घूमना पड़ता है, तो ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो अगर आपने कुछ समय पहले कंप्यूटर लिया था, उसके अंदर भले ही कोई भी वायरस नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क ज्यादा भर गई है ना, तो इसलिए वो समय के साथ स्लो हो जाता है। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका यूज सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे सस्ती पड़ती है। अब बात करते हैं SSD की। SSD की बात करें तो फुल फॉर्म होता है इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब देखा जाए तो ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में 10 गुना तक ज्यादा फास्ट हो सकती है, और अगर आपने इसको अपने कंप्यूटर में डाल दिया और इसके अंदर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया ना, तो आपके कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो SSD रहती है ना, ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही फास्ट रहती है। अब SSD का फायदा यह है कि उसके अंदर आपको फ्लैश मेमोरी मिलती है। अब आप इसे रैम की तरीके से समझ सकते हैं कि रैम के अंदर भी आपको फ्लैश मेमोरी मिलती है और SSD के अंदर भी मिलती है, लेकिन जो SSD रहती है ना, जब आप उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं और बाद में उसे जब पावर ऑफ कर देते हैं ना, तब भी जो डेटा है ना वो उस मेमोरी के अंदर सेव रहता है, बस रैम में सेव नहीं रहता है। इसलिए SSD रैम जितनी फास्ट तो नहीं होती है, लेकिन SSD की जो स्पीड है ना वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही फास्ट होती है। अब आप खुद ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो आने वाली एंट्री लेवल SSDs है ना, वो 400-500 MBPS की रीड राइट स्पीड्स को प्रोवाइड कर देती है, लेकिन कुछ हाई एंड SSDs है ना, उनमें आपको जो स्पीड है वो GBPS में देखने को मिलती है। और SSD की अच्छी बात ये रहती है कि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो इसके जो फेलियर के जो चांसेस वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपने अगर SSD को लगा दिया ना, तो उस कंप्यूटर के अंदर ऐसा लगता है कि रॉकेट लग गए हो। मेरा मतलब है किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपको प्रोसेसर अपग्रेड करने से, ज्यादा रैम लगाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बजाय कि अगर आप उसमें हार्ड डिस्क निकाल के उसमें SSD लगा दो और उसमें सेम का सेम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपने आज की डेट में केवल हार्ड डिस्क यूज करी है, तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि एक बार SSD आइए। अगर आप एक बार SSD पर आ गए ना, तो दोबारा से आप कभी हार्ड डिस्क पे मूव नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं SSHD के बारे में। SSHD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, और देखा जाए तो ये मिक्सचर है सीधे SSD और HDD का। एक्चुअली में जो SSHD आती है ना, थोड़ी सी महंगी होती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, लेकिन SSD के कंपैरिजन में कुछ सस्ती होती है। और SSHD का फायदा ये कि इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क जैसी स्टोरेज मिलती है, और इसके अंदर आपको 8GB की थोड़ी सी कैश स्टोरेज मिल जाती है। इसका मतलब यह कि इसके अंदर आपको थोड़ी फ्लैश मेमोरी देखने को मिलेगी, जो जनरली 8GB 16GB के अराउंड रहती है। और जो SSHD के अंदर जो वेयर है ना, वो ये डिसाइड करता है कि तो ये जो फ्लैश मेमोरी है, इसके अंदर कितना क्या डेटा स्टोर हो। तो जैसे कि अगर आपने नॉर्मली SSHD को लगा दिया और उसे आप नॉर्मल तरीके से अपने कंप्यूटर को यूज करोगे, तो जो SSHD का जो फर्मवेयर है वो ये डिसाइड करेगा कि अगर आप इस फाइल को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसकी वो कॉपी एक फ्लैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा, ताकि अगली बार अगर आप उस फाइल को एक्सेस करो तो आपको थोड़ी ज्यादा स्पीड देखने को मिले। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने अपनी SSHD में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया, कुछ समय बाद जो कंप्यूटर के चालू होने का जो टाइम है ना, वो काफी तेजी से कम हो जाएगा। तो ये छोटा सा फायदा है SSHD का। लेकिन SSHD का नुकसान ये कि इसके अंदर 8GB की मेमोरी आप खुद डिसाइड नहीं करते, इसके अंदर SSHD का फर्मवेयर ही डिसाइड करता है, और ये ऐसे डिसाइड करता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो सारी चीजें 8GB वाली मेमोरी के अंदर डाल दे। तो देखा जाए तो SSHD जो है ना, वो ज्यादा रिलायबल है, उनके अंदर आपको ज्यादा हाई स्पीड देखने को मिलती है, ज्यादा स्टोरेज देखने को
मिलता है। ये एसएसडी के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती रहती है, पर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी रहती है, लेकिन तब भी ये एसएसडी का पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट नहीं है। और जनरल परफॉर्मेंस जो रहती है एसएसडी की, वो हार्ड डिस्क के बराबर ही रहती है। बाकी फाइनली में मेरी ये सलाह होगी, आज की डेट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं ना, तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि उसके अंदर एसएसडी लगी हो, क्योंकि एसएसडी जो है वो फ्यूचर होने वाली है। मतलब फ्यूचर तो हो ही चुकी है और आज के डेट में बिल्कुल ही ज़रूरत है इस चीज़ की। और अगर आपके कंप्यूटर में अगर एसएसडी लगी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर एक्चुअली में कितना ज़्यादा फास्ट है। और आप में से किसी ने अभी तक एसएसडी का यूज़ किया होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और जिस किसी ने भी आज के डेट में एसएसडी का यूज़ किसी कंप्यूटर में नहीं किया, तो उसको तो मेरी सलाह यही होगी कि किसी भी कंप्यूटर में जाके एक बार आप एसएसडी को एक्सपीरियंस करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक एसएसडी किसी भी कंप्यूटर के अंदर कितना बड़ा परफॉर्मेंस का डिफरेंस ला देती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ आप लोगों की फेवरेट चॉइस क्या होगी, एसएसडी, एचडीडी या फिर एसएसएचडी। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।